आपके मित्र दिनेश लाल यादव ने हुआ बताया जा रहा है कि आजमगढ़ से, यानी आप जहां के प्रॉपर निवासी हैं, वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले जब ये खबर राजू सिंह माही ने सुनी होगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं। और जिस दिन ये बात फेसबुक या उस पर आई कि दिनेश जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और रही बात आजमगढ़ से लड़ने की, तो आजमगढ़ की जनता, बीजेपी भी काफ़ी वहाँ पे लोकप्रिय पार्टी है, और चूंकि सामने अखिलेश यादव जी हैं तो लड़ाई टक्कर की होगी। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिल्म स्टार्स को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजू सिंह को क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर जो होता है वो लोगों की रोग सही करता है, और फिल्म स्टार अपने फिल्मों से लोगों की सोच सही करता है। तो दिनेश जी एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत ही उमदा टाइप उनका व्यवहार है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया बहुत सोच समझ के लिए होंगे। पब्लिक को तो मनोरंजन दे ही रहे हैं, उनका एंटरटेन कर रहे हैं, अब उनको राजनीति के अपने माध्यम से अपने जो उन्होंने चुना है लाइन की बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो बहुत ही सोच समझ चुना होगा, और जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा करने के लिए वो बीजेपी में गए होंगे। जहाँ तक बात की जाए आजमगढ़ की, आप वहाँ के लोकल हैं, क्या ज़मीनी हकीकत है पार्टियों का, क्या बेस है, राजू सिंह माही ने क्या देखा वहाँ पे? अगर ज़मीनी बेस देखा जाए तो समाजवादी पार्टी वहाँ पे बहुत मजबूत है, उसको दूसरा मैनपुरी कहा जाता है, और सपा का तो गढ़ है, सामने अखिलेश यादव जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी दिनेश जी का वहाँ से कोई नॉमिनेशन टिकट आया नहीं किसी न्यूज पे, लोग चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ बातें चल रही हैं। और दिनेश जी ने भी बोला कि मैं ऐसा कोई नहीं कि व्यक्तिगत मैं चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टी ज्वाइन किया, अगर पार्टी कुछ उनको निर्देश देगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक आजमगढ़ से उनका टिकट कुछ ऐसा क्लियर नहीं है मीडिया में। अच्छा, जब बात होती है चुनाव की तो चुनाव प्रचार शुरू हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, आर्टिस्ट भी प्रचार करने जाते हैं नेताओं के, हमने अक्सर देखा दिनेश लाल यादव निरहुआ खुद भी करते थे सपा के लिए बीजेपी के लिए। राजू सिंह माही को अगर ऑफर आया तो किसके लिए प्रचार करेंगे, अखिलेश यादव के लिए या दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, और अभी मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, ये भी दिनेश जी ने कहा कि मेरे भी इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि अब मैं राजनीति में ज्यादा ध्यान दूंगा, फिल्म्स मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी, ये भोजपुरी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान की बात होगी? नुकसान की बात तो होगी, भाई दिनेश लाल बड़े एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के, और उनकी फिल्में बहुत चलती हैं, नंबर वन एक्टर हैं जो कि सब लोग जानते हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनको उनके न होने से या उनका फिल्में कम करने से तो इंडस्ट्री में नुकसान होगा। बहुत सारी मैंने राजनीति की बात कर ली, आपको ये अगर मैं पूछूं एक लाइन में कि मोदी जी के 5 साल जो गुजरे उसमें कितना विकास हुआ, राजू सिंह माही को कुछ नजर आया? बतौर पॉलिटिशियन की बात नहीं पूछ रहा हूँ, बतौर एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम वोटर की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, और बाकी तो पूरा देश आज उनके प्रति एकदम उत्साहित है, और मोदी सरकार फिर से बनने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और बननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत को उन्होंने इतना बड़े 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 देशों में पहुंचाया, उसका नाम किया, तो जाहिर सी बात है मोदी जी को अगेन एक बार और बनना चाहिए। हम जानते हैं कि आपको भोजपुरी सिनेमा का सुल्तान कहा जाता है, आप भोजपुरी का सुल्तान कहे जाते हैं, वैसे हमारे देश का सुल्तान कौन बन सकता है इस बार, मोदी जी बन सकते हैं या राहुल जी बन सकते हैं? इस पर मैं क्या भविष्यवाणी करूँ, लेकिन जो हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो लोग इस समय फेसबुक ट्विटर मीडिया आप हर जगह देख रहे होंगे, और अपने कामों से तो मोदी जी का ही ज़्यादा चांस दिख रहा है। ये तो मैंने राजनीति की बात कर ली, थोड़ा सा जिसके लिए आप जाने जाते हैं फिल्मों के मुद्दे पर लौट आते हैं। आजकल राजू सिंह माही की एक फिल्म का ट्रेलर आया, अच्छा चला, अब आगे क्या चल रहा है इस वक्त? आगे देखिए, अभी पुलिसगिरी में शूटिंग कर रहा हूँ जिसकी शूटिंग 4-5 दिन बची है, और मई से मैं 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दोनों आउटडोर है और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जो एक तो सामाजिक मतलब मैसेज फिल्म है, जैसे अक्षय कुमार ने पैडमैन या अपना टॉयलेट किया था, एक उस टाइप का भोजपुरी में एक अच्छे राइटर के अच्छे डायरेक्टर साथ हम लोग वापस लेके आ रहे हैं, और बाकी एक प्रोजेक्ट अपना नरसिम्हा है जो मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा, जब बात होती है भोजपुरी सिनेमा की तो वल्गैरिटी का मुद्दा आपस में खुद ब खुद आके अट्रैक्ट हो जाता है, या यूँ कहूँ कि वो कोड़ की तरह है जो कि भोजपुरी सिनेमा में अक्सर दिखता है, राजू सिंह माही की क्या ये फिल्म साफ सुथरी होगी? मेरी आप कोई भी फिल्में देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्में जैसी ही बने,
कोई अभद्र चीज़ ना दिखे उसमें, और पूरी कोशिश रहेगी कि जितने फिल्में करूँ सब एक अच्छी फिल्म ही बने जो परिवार भी देख सके। और हम ही नहीं, सारे लोग अभी इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, फिल्में अच्छी ही बन रही हैं। राजू भाई, हमने ये देखा है कि भोजपुरी सिनेमा जब शुरू के दौर में था, एक वक्त ख़त्म होने की कगार पे था, तब ससुरा बड़ा पैसा वाली फिल्म आई जिसने संजीवनी बूटी जैसा काम किया। आपको नहीं लगता कि इस वक्त किसी वैसी फिल्म की जरूरत है जो कि भोजपुरी सिनेमा के संजीवनी बूटी जैसा काम एक बार फिर से करे? देखिए, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी संघर्ष जी, केसारी जी की जी, तो काफ़ी चली, काफ़ी अच्छा उसका नाम भी रहा। तो देखिए, फिल्में जो भी बनती अच्छी ही बनती हैं, थोड़ा सा हमारा अभी थिएटर भी उतना आप देख ही रहे हो जो, तो फिल्मों में कमी नहीं है, थोड़ा सा थिएटर पे ध्यान दिया जाए। ऑडियंस हमारी भी भाग रही है, हर कोई एसी में देखना चाहता है। 60 रुपये का टिकट भोजपुरी का होता है, 100 रुपये का मल्टीप्लेक्सों का होता है, तो अगर ऐसी व्यवस्थाएँ करके मल्टीप्लेक्सों में दी जाएँ भोजपुरी फिल्में, तो जाहिर सी बात है व्यूअर्स बढ़ेंगे और ऑडियंस भी बढ़ेंगे हमारे, और फिल्में भी चलेंगी। एक आखिरी सवाल, जब सिनेमा के लिए कुछ करने की बात होती है, तो हालांकि योगी सरकार ने अभी कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं की हैं, आपको लगता है कि ये पर्दे के जो सितारे राजनीति में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ इस सिनेमा के लिए जरूर करेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन भैया हैं, दिनेश जी, अभी तो तीनों लोग सरकार में रहेंगे, तो बस ये काम करें, योगी जी से मिलके उनको एक अपना न्यूज़ दें या ज्ञापन दें कि जैसे महाराष्ट्र में आप देखते होंगे कि मल्टीप्लेक्सों में मराठी सिनेमा 100 अनिवार्य है जी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश बिहार में भी 100 अनिवार्य भोजपुरी हो जाए तो काफ़ी हालत सुधरेगी। तो इस चीज़ को इन लोगों को करना चाहिए। थैंक यू राजू भाई, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इसके अलावा तो यू कैन से। जी बस, थैंक यू। थैंक यू।